जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत रात के बर्थडे पार्टी में आकर लौट रहे युवक को कुछ बदमाशों ने रोका और शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगे। जब युवक ने शराब के लिए पैसा देने से मना किया तो बदमाशों ने उसके ऊपर प्राणघातक हमला करते हुए मौके से फरार हो गए, जिसे आनन फानन में गंभीर हालत में मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बदमाशों के ऊपर मामला दर्ज करते हुए उनकी पतासाजी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार की रात पीड़ित शेखर बर्मन, जो कि गढ़ा के जैन मंदिर के पास देवीपुरा कलारी के बाजू में रहता है और हलवाई का काम करके अपना घर परिवार चलाता है, कल रात भर गोहलपुर से दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहा था। जैसे ही वह मंडुआ ब्रिज मोहन नगर के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रहा आरोपी रवि केवट ने उसे रोक लिया और शराब के लिए पैसे मांगने लगा। तभी शेखर ने उसे पैसे देने से मना किया तो उसने चाकू जैसी नुकीली चीज जेब से निकाली और उसके जान पर हमला करते हुए मौके से फरार हो गया। क्या घटना हुई आपके भाई के साथ? आपने जन्मदिन मनाने के लिए दोस्त के घर गया रहा, तो वो केक काट के आ रहा था, तो उसने पैसे दारू के लिए मांग रहे थे उन लोग, तो उसके पास नहीं थे तो उन लोग ने चक्कू मार दिए। कौन लोग हैं जिनने मारा? राहुल रवि, रवि केवट। कहाँ की घटना है? मांडवा ब्रिज मोहन नगर। कितने बजे की घटना? 10:20 अभी क्या करने थे? बहुत ज़्यादा सीरियस है, चक्कू लगी है। किस बात को लेके विवाद हुआ था? कुछ नहीं, वो पैसे मांग रहे थे तो उसके पास पैसे नहीं थे तो उन लोग ने मार दिए, 4-5 लोग हो रहे, उसको एक ही जन का बस नाम मालूम है रवि। उसके साथ कोई और भी थे? नहीं, अकेला आ रहा था। आप कौन है उसकी? सिस्टर हूँ मैं। क्या नाम है? निकिता रेखवार। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।